डेंगू एबे सारा ओडिसा रे बढ़िबारे लगी। गाँ हेउ कि सहर डेंगूर काया विस्तार करिबारे लगिथिबा बेले एबे केंद्रापड़ारे एहार आतंक देखा देइछि, जहार प्रभाव रे चलीगलाणी अनेक जीवन। गरतपुर ब्लॉक पाखड़ नुआपड़ा ग्राम रे घरे घरे व्यापिलाणी डेंगू रोग। ग्रामर 25 जन एबे मध्य डेंगू रोग रे आक्रांत होई चिकित्सारत अछन्ति। सात दिन हेबो डेंगू रोग रे आक्रांत होई चिकित्सित थिबा 65 वर्षीय वृद्धा उल्ला भोईंक गतकाली रातिर मृत्युबरण करिछन्ति। नुआपड़ा ग्रामर उल्ला भोईंकर दीर्घ दिन हेबो ज्वर लागि रहिथिला। सात दिन तले रक्त परीक्षा करिबा परे डेंगू पॉजिटिव बाहरिथिला एवं सात दिन पर्यंत डाक्तरखाना रहिबा परे अवस्था गुरुतर होइथिला। डाक्तर फेराइ देइथिले। गतकाली रातिर उल्ला भोईंक परलोक होइछि। ना अजय भोई घर नुआपड़ा बोंगना कोन उल्ला भोई ज्वर आसला केतदिन आम तो कहीपरून जो ज्वर बाहर आम नहीं गलु मेडिकल मेडिकल बाहर डेंगू ज्वर डेंगू ज्वर किसी दिन आईसीयू भर्ती कराला दुर्बल होसला घर को जो डॉक्टर फेरदेले आमको कह ना पेसेंट भल हो पार आम नहीं घर को पलि आसलु घर को पलि आसलु का दिन तीन टा साढ़े तीन टे पहुँचल रात साढ़े दसटा बेलू सात दिन पूर्व मेडिसिन मेडिकल एडमिट होते हटात का मृत्यु हो जाए ना स्वास्थ्य विभाग कौन कर्मी स्वास्थ्य विभाग कौन व्यक्ति देखा आसीना तेज ग्रामर तालगंड जोड़ अपरिष्कार दल जमी विभिन्न प्रजातिर मशा ब्रंश बुद्धि जो एक मस ग्रामर अनेक लोक डेंगू रोग से आक्रांत हो। पूर्वरु गरतपुर विडीओ को अभियोग मध्य होइथिला एपर्यंत डेंगू कबल रे पूरा ग्राम थिबा लोके अभियोग करिछन्ती। असै तालमंडल दल कटी दल होइगिरि पानी बहुत दिन हला पचिलै ता जो गुरु मसा होउथिन्ती जे आंजुला करियानि आंजुला ता जंतु जुंता साप आ मसा ता धरे आमे बहुत असुविधा भोगुछु आमे जल करे। नमस्कार पाखड़ ग्राम पंचायत सरपंच बनलता स्वयं। प्रबल बढ़ीगला डेंगू आक्रांत बढ़ीगला अधिका आम डाक्तर टीम आसपा सचेतन करने आलोचना है ब्लड ग्रुप सब गला से परीक्षा कर समालोचना कर ग्रामर डेंगू जनित प्रथम मृत्यु पर ग्राम से भयर वातावरण सृष्टि। ग्रामरे डेंगू रोगी संख्या वृद्धि पाइबा ओ एडिस मशा प्रादुर्भाव बढ़िबा ने साधारण लोके चिंता प्रकट करिछन्ती। ग्रामवासी एने गरतपुर ब्लॉक प्रशासन को अवगत कराइबा परे अपराह्नरे गरतपुर ब्लॉक प्रशासन निर्देश रे आज डाक्टर विश्वरंजन राउतराय नेतृत्व में 8 जनिया मेडिकल टीम नुआपड़ा ग्राम से पहुंची अपरिष्कार हो पड़ा तालगंड जोड़ अनुधान करने ग्रामर ज्वर थंडा बापी थिबा लोकों रक्त नमूना परीक्षा करिथिले। एथिसह ग्रामरे एक डेंगू सचेतन शिविर आयोजित करा जायछि। ग्रामवासी डेंगू और एडिस मशा संपर्कित बुझाइबा सह मशा व्यापुथिबा स्थान को परिष्कार करि मशा वंशवृद्धि रोकिबाकु सचेतन कराइथिले। कौन सब कले आज डॉक्टर विश्वजन राउतराय नेतृत्व में पाटकुरार टीम मैंने आसिकी नुआपड़ा अंगनवाड़ी केन्द्र में एक डेंगू सचेतनता कार्यक्रम करते डेंगूर केमी व्यापुची केमी न व्यापिया तार लक्षण तार प्रतिकार कौन से विषय में लोक मैंने सचेतन करते आज बहुत लोग उपस्थित थे। सचेतन लोक मैंने पचारि बुझे जार ज्वर हो ब्लड सांपल बनले कि डेंगू न व्याप से कहले घर 100 मीटर दूर से परिष्कार परिच्छन रखा पड़ो। आम गाँव में डेंगू में उल्लभ हो जो मृत्युवरण कर डॉक्टर विश्वरंजन राउतराय आयुष मेडिकल अफिसर पीएससी न्यू कोरबा। नुआपड़ा ग्राम से डेंगू आक्रांत कहुचना आपने आज सचेतनता कौन कह सचेतनता करार उद्देश्य डेंगू कहीं हुए कौ मशा द्वारा हुए कौन तार परिस्थिति जटिलता सृष्टि हुए कौन लक्षण दे तार डेंगू बोली आम देखा तेणु सांगे सांग द्वारा डाक्तर परामर्श करके औषध खाइबा।
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସଭାରେ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲି ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ସାଧାରଣତଃ ଦିନବେଳା କାମୁଡ଼ନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କାମୁଡ଼ିବେନି। ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ଡେଙ୍ଗୁର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଏରିଆ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ମଶାମାନେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଅଟକିବା। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ଥିର ସଫା ପାଣି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତଳେ ହାର୍ଡ଼ ସର୍ଫେସ୍ ଥିବ, ଯେମିତିକି ହେଲା ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ ଓଲଟିକି ପଡ଼ିଥିବ, ତା ଦେହରେ ପାଣି ପଡ଼ିଥିବ, ପାଣି ଥିବ, ଯାହା ହେଲା କୁଣ୍ଡ ହେଲା, ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ଟାୟାର ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ, ତା ଦେହରେ ପାଣି ପଡ଼ିଥିବ, କୁଲର୍ରେ ପାଣି ବଦଳା ହୋଇନଥିବ ସେଠି ଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ସାଧାରଣତଃ ରହିବ। ପୁଲା ଭୋଇ କୁହାହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ଗ୍ରାମରେ ଗୁଜବ ପଡ଼ୁଛି ନା, ସେଟା ସତ ନା ପ୍ରକୃତ ସତ? ନାଇଁ, ଡେଙ୍ଗୁ ତା'ର ପଜିଟିଭ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଡେଙ୍ଗୁ ଡେଥ୍ ହେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଇଏରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେବ ଗ୍ରାମର ଏକ ତାଳବଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ରେ ମଶା ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 22-25 ଜଣ ଗ୍ରାମରେ